गंगा कितना झमेला से बनती है। कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। यहाँ बनेगी गंगा, क्या आप बोल पाइएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? उत्तराखंड का पवित्र स्थल देखिए, एक जगह है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतो पथ, वो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। अब छोड़ दीजिए नक्शा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब यहां समझिए कौन जगह हो गया, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतो पथ। बद्रीनाथ में जगह है संतो पथ। संतो पथ तो हम लिखते हैं संतो पथ। संतो पथ बर्फ का ग्लेशियर है, अर्थात हिमानी है। क्या है? हिमानी है, यानी ग्लेशियर है। संतो पथ हिमानी। कौन सा हिमानी? संतो पथ हिमानी। कौन हिमानी? संतो पथ हिमानी। किसी को दिक्कत नहीं ना? हिमानी का नाम संतो पथ हिमानी। संतो पथ हिमानी से दो नदियों की धारा निकलती है, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, कितनी नदियां निकलेंगी? दो। एक का नाम धौली गंगा, एक का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा और धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों मिल जाते हैं सब विष्णु प्रयाग। कहाँ पे? दोनों मिल जाते हैं इसे कहाँ पे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ मिल जाती हैं? विष्णु। और एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है उसका अलकनंदा। एक नए नदी का निर्माण करती है, नाम होता है अलकनंदा। तो बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा। कौन नदी? अलकनंदा। ये कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी? आई जगह का नाम विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन जगह? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन जगह? विष्णु प्रयाग। बताइए संतो पथ हिमानी से कितनी नदियां? एक का नाम, दूसरी का नाम विष्णु गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आगे बढ़ती है अलकनंद। एक जगह है नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। कौन जगह है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक नदी मिलती है नंदाकनी। मंदाकनी नहीं, नंदाकनी। कौन सी नदी बाबू? नंदाकनी। कौन नदी? नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नदी का नाम नंदाकनी। नंदाकनी अलकनंदा इनको भी लेके चलती है, कहती है कि चलो नंदाकनी तुमको भी घुमा देते हैं। नंदाकनी को भी लेके चल देती है। तो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके क्या बनेगी? हाँ, अलकनंदा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा। अलकनंदा अपने साथ किसको ले गई? अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा आगे चली, आगे चल गई। किसी को दिक्कत? अब इसमें एक और नदी आके मिलेगी, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। इसमें एक और नदी आके मिलेगी, क्या नाम होगा? पिंडार नदी। रेडी? बताइए नदी का नाम पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार किसमें जाके मिलेगी? अलकनंदा। पिंडार जाके मिलेगी अलकनंदा। पिंडार मिलेगी अलकनंदा। रेडी? देखिए ध्यान से, बड़ी नदी हो गए हैं सब यहाँ पर। उत्तराखंड में खूब नदी मिलेंगे सब आपको। संतो पथ हिमानी से कितनी नदियां? कितनी नदी? कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु। दोनों मिलके क्या बनाएगी? अलकनंदा। अलकनंदा में मिलेगी नंदाकनी, उसके बाद मिलेगी कौन सी नदी? पिंडार नदी। बताइए धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकलती हैं? संतोपत हिमानी। कहाँ से निकलेगी? संतोपत हिमानी से। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब अलकनंदा में पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सोचिए दूध तीन तीन कितना नदी आके मिला दीजिए, पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें, तो इसमें पानी बढ़ रहा है। अब इसमें एक और नदी आके मिलती है, मंदाकनी। कौन सी नदी? मंदाकनी। नदी का नाम मंद। इसमें एक और नदी आके मिलती है, नाम है मंदाकनी। नंदाकनी नहीं, मंदाकनी। कौन नदी? मंदाकनी। अलकनंदा इनको भी कहती है चलिए आगे लेके चलते, तो मंदाकनी को भी लेके कौन चल देती है? मंदाकिनी को लेकर, मंदाकिनी को लेकर अलकनंदा। अब दोबारा ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए, संतोपत हिमानी,
कितनी नदियां? धौली गंगा, विष्णु गंगा, बन जाएगी अलकनंदा, मिलेगी नंदाकनी, अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी पिंडा, अलकनंदा ले जाएगी, फिर मिलेगी मंदा, अलकनंदा ले जाएगी, अलकनंदा, अलकनंदा में पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी बढ़ जाए, बहुत पानी बढ़ जाता है किसमें? अलकनंदा नदी में। किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा आगे फिर जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई नदी, दो नदियां आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है, तो आगे वो किस नाम से जाएगी ये डिपेंड करता है किसकी गहराई ज़्यादा है। जिसकी गहराई ज़्यादा उसी नाम से आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता था कि मंदाकिनी और अलकनंदा में मंदाकिनी आगे जाती, तो जो गहरी होगी उसी का नाम आगे जाएगा, और जो गहरी नहीं होगी वो विलुप्त होगी वहीं पे। वहीं पे क्या होगी? जैसे गंगा यमुना मिलती हैं और यमुना वहीं रह जाती है, गंगा आगे चली जाती। कैसे? क्योंकि गंगा की गहराई ज़्यादा, गंगा की गहराई। बताइए यहाँ पिंडार नदी समाप्त हो गई है, क्यों? गहराई कम। नंदाकिनी कम खत्म हो गई, गहराई कम। मंदाकिनी खत्म हो गई है, और वहां वो दोनों खत्म हो गई है, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों खत्म हो गई है। जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नाम बदल दिया जाएगा। उधर है धौली गंगा, इधर है विष्णु गंगा, दोनों की गहराई लगभग बराबर, नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और नदी लेके आते हैं, आप लोग भी सोचिए कि जहीन हो गया है। एक और नदी लेके आते हैं, भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी नदी। एक और नदी ले आते हैं, भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। नदी का नाम भागीरथी, नदी का नाम भागीरथी, भागीरथी नदी। अब इन दोनों की गहराई क्या हो जाती है? बराबर। दोनों की गहराई बताओ बबुआ, जब गहराई बराबर तो नाम चेंज, गहराई बराबर तो नाम चेंज, क्या हो जाएगा? नाम चेंज। और यहाँ बनेगी गंगा, क्या बनेगी? गंगा। कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। ए भैया, इतना आसान रहता तो क्या दिक्कत था। अब आपको पता है कि गंगा कितना झमेला से बनती है, क्या आप बोल पाइएगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है? नहीं तो देखिए, गंगा गोमुख से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अरे भैया, गंगा बनती है, गंगा बनती किन दो नदियों के मिलने से? भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भागीरथी और अलकनंदा से सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा, आके मिली नंदाकिनी, फिर मिली पिंडा, फिर मिली मंदाकिनी, फिर मिली यहाँ पे संगम। देखो संगम हो गया, संगम को प्रयाग कहा जाता है, संगम को यहाँ एक को प्रयाग, दो गो प्रयाग, तीन गो प्रयाग, चार गो प्रयाग, पांच गो प्रयाग, पंच प्रयाग। उत्तराखंड का पवित्र स्थलों में से एक है पंच प्रयाग। कौन प्रयाग बबुआ? कौन प्रयाग?